जी मैं सुलेमान खतीब की दूसरी लड़की शमीम सुरैया हूँ। मैं बीबी रज़ा डिग्री कॉलेज गुलबर्गा में तकरीबन 30 साल तक प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हूँ। मैंने अपने वालिद की फ़न और शख्सियत पर PhD का मखाला भी लिखा है, जिसको गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD की डिग्री दी गई है। मेरे वालिद सुलेमान खतीब के जद्दी अमजद हज़रत ताज मोहम्मद कर्नाटक के एक मौजूद चिरगुप्पा की जामा मस्जिद के खतीब थे। वाली बीजापुर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी ने 17वीं सदी ईस्वी में उन्हें एक शाही फरमान के ज़रिए चिरगुप्पा की जामा मस्जिद का खतीब मुकर्रर किया था। हज़रत ताज मोहम्मद का सिलसिले नस्ब मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हा से मिलता है। सुलेमान ख़तीब की याद में एक ट्रस्ट हमने 1989 में क़ायम किया गुलबर्गा में। ये ट्रस्ट सुलेमान ख़तीब यादगार तालीमी सिखाफती व इमदादी ट्रस्ट गुलबर्गा कहलाता है, और इसके मुख्तलिफ मकासिद हैं, जिनमें से एक मकसद तो ये है कि रियासत कर्नाटक में उर्दू ज़रिए तालीम से 10वीं जमात के इम्तिहान में, जिसको SSLC बोर्ड एग्ज़ाम कहा जाता है, इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्म को एक तिलाई तमगा ट्रस्ट की जानिब से अता किया जाता है। और इसका मकसद ये है कि उर्दू मीडियम के तालिब इल्मों की हौसला अफज़ाई हो। दूसरा अहम मकसद ये है कि गरीब और नादार लेकिन ज़हीन तलबा की माली इयानत की जाए, और उनको तालीम जारी रखने के लिए कुछ सरमाया मुहैया किया जाए। तीसरा और सबसे अहम मकसद ये है कि सुलेमान ख़तीब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अवाम को फराहम किया जाए, और उनके बारे में जो कुछ भी तहक़ीक़ी और इल्मी काम हो रहा है उसको महफूज किया जाए। और ये चंद अहम मकासद हैं जिनके तहत ट्रस्ट अपने काम अंजाम दे रहा है। सुलेमान ख़तीब के बारे में जो कुछ भी मालूमात ट्रस्ट को हासिल हों उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए हमने एक वेबसाइट सुलेमान ख़तीब वेबसाइट शुरू कर रखा है। तो अब तक कोई अहम बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यूं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनकी ज़ात से जुड़ी हुई हैं और उनकी याद दिलाती रहती हैं। मुझे ग्रेजुएट बनाने में और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तरगीब देने में मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी शादी के बाद भी महज उन्हीं की तरगीब पर मैंने तालीम को जारी रखा, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं PhD भी कर लूं, लेकिन अफसोस कि उनकी ये ख्वाहिश उनकी हयात में पूरी ना हो सकी। लेकिन उनकी बहुत सारी खूबियाँ मुझे याद आती हैं, जैसे उनकी मोहब्बत, उनकी इंसानियत, उनकी जुदत तबा, उनकी शेरी काबिलियत, और ऐसी बातें हैं जो वक्तन फ़ौक्तन वो हमें नसीहत के अंदाज़ में बताया करते थे। और हम ये नहीं है कि सिर्फ जब तक उनके साथ रहे हों, बल्कि मैं जब अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ भी कर चुकी थी तो उनकी बातें हमेशा मेरे लिए मशाल राह का काम देती रहीं। और मैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारी यादों में से एक आध को भी बयान नहीं कर सकती, अलबत्ता उन्हीं के एक शेर में मैं उनकी याद की बात को पेश करना चाहूँगी। और वो ये है कि याद बोले तो पलकां पो आंसू की लोट, याद बोले तो पलकां पो आंसू की लोट, काले बादल
पो चांदी की चमकीली गोट, काले बादल पो चांदी की चमकीली गोट। वाले साहब की बातों की याद भी ऐसी है जैसे अंधेरे बादल के पीछे से रोशनी देती हुई किरणें, जो हमें आज भी हमारे ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं। मेरे वालिद साहब के तवक्कुआत दुनियावी ओहदे हासिल करने से ज़्यादा आपकी अख़लाक़ी तामीर अहमियत रखती थी, तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि वो कामयाब रहे हैं। और मेरे वालिद साहब ना होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की, वो तरबियत आज भी हमारे काम आ रही है। तो जिस मुकाम पर वो हमें देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएं।